नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आइए एक नजर डालते हैं खबर फटाफट की तरफ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर सद्दाम पद्धार समेत 5 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों में कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद रफी भट्ट भी शामिल था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सबसे पहले चित्रदुर्ग में सभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न तो दल और न ही दलितों की परवाह करती है, उसे सिर्फ डील की चिंता रहती है। रूस में सोमवार को व्लादिमीर पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन इसके पहले ही उनका विरोध भी शुरू हो चुका है। हजारों लोगों ने पुतिन के खिलाफ मॉस्को के पुश्किन स्क्वायर पर प्रदर्शन किया। एमपी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए ये खबर खुश करने वाली है। 14 मई को सुबह 9 बजे सीएम निवास पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। ये दूसरा मौका है जब दोनों ही क्लास के रिजल्ट एक साथ घोषित किए जाएंगे। अंबाला हरियाणा के तोपखाना इलाके में कांग्रेसी नेता ने आपसी झगड़े में सरेआम अपने ही पड़ोसी को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी मर्डर करने के बाद आराम से वहां से चला गया। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे आपसी झगड़ा बताया जा रहा है। पाकिस्तान में 60 लोगों की हत्या के दोषी 11 आतंकियों को फांसी दे दी गई। पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। पंचकुला और सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में शनिवार को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में गुरमीत सिंह के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की गवाही हुई। खट्टा सिंह ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि मेरे सामने ही गुरमीत ने अपने आदमियों को छत्रपति को खत्म करने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश भोपाल में शनिवार का दिन 13 घंटे 6 मिनट अवधि का रहा। यह सीजन का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। दोपहर 2:30 बजते ही पारा 42 डिग्री पर पहुंच गया था। दोपहर 3:30 बजे 43.1 डिग्री हुआ, जबकि शाम 5:30 बजे तापमान 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। खबर फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।